कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में देश के लिए सिविल मेडल जीतने वाले विकास ठाकुर का टौनी देवी पहुंचने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। अस्पताल चौक पर विकास को बैंड बाजे के साथ लाया गया। विकास की झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आए हुए थे। डीएवी स्कूल टौनी देवी के विद्यार्थियों ने विकास ठाकुर का फूल से स्वागत किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। विकास ठाकुर टौनी देवी के पटनौन क्षेत्र में रहने वाले हैं। टौनी देवी पहुंचने पर विकास ठाकुर का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने प्रसिद्ध टौनी देवी में माथा टेका। टौनी देवी मंदिर में उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विकास ठाकुर के माता पिता को भी सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने संबोधन में विकास ठाकुर की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि विकास ने क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। विकास ठाकुर ने अपने भाषण में युवाओं को खेलों में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि और सबका नाम ऊंचा करने वाले विकास ठाकुर जी, उनके माता पिता, परिवार के सब लोग, गाँव के सब लोग, इस सारे आयोजन को करने वाले विजय महल जी, मंच पर बसते सभी सम्मानित डोगरा जी अपने अनुभव सुना रहे थे। उस टाइम डोगरा जी अभी होता था, कोई टीम अगर 3 साल लगातार देख लेती थी तो उसकी शर्ट परमानेंट हो जाती। विकास जी ने लगातार 3 बार जीत कर हम तो खुश थे ही। जीवित खबर आई राजीव से बात हुई, राजीव ने अपने चाचा ताया से बात कराई, पूरा गांव खुश था, पूरा देश खुश था। हम शुभकामनाएं दे रहे थे तुम बार बार जीतो, मुझे उसमें बड़ी प्रसन्नता हुई। विकास ठाकुर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशल मैसेज दिया, बधाई दी और कहा अगली बार के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 बार लगातार मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। अगली बार के लिए पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने तो मेहनत की है, इंडिविजुअल एफर्ट है, आपके माता पिता की तपस्या है, सहयोग है, आपके परिवार के सहयोग है। ये विश्वास है कि आप मेहनत के साथ और आगे बढ़ेंगे। कहा गया पहले की अगली बार सोना आप सबको खुशी है ना। तो आज सबके कार्यक्रम कोई बिल्कुल जोरदार ताली। मैं पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वजन उठाना आसान है लेकिन आप लोगों के सामने बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने मुझे आग्रह किया और इनके कहने पे मैं स्टेज पे आया। पहले मुझे विजय महल जी ने कहा कि आप कुछ कहना चाहोगे, मैंने मना कर दिया, लेकिन मैं इतने महान व्यक्ति की बात को मैं टाल नहीं पाया तो मैं इसलिए आ गया। तो मेरे से कुछ भी गलती हो बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। और मैंने अभी पूछा कि मुझे बोलना क्या है, तो मैंने कहा कि आप प्रेरणा शुरू तो बच्चों को आपको मैसेज देना है। तो जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि ये आने वाली जनरेशन है और सच में मैं मुझे लगता है कि बच्चों में से ही कल को कोई अच्छा काम करेगा और स्पोर्ट्स में करे, चाहे वो पढ़ाई में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा, किसी भी क्षेत्र में काम करो, पूरी मेहनत से करो, लगन से करो और अपने घर वालों का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का, प्रदेश का नाम बिल्कुल रोशन करो। तो मेरी बधाई बच्चों को है।
और मैं जितने भी यहाँ सभी उपस्थित लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मॉम डैड हैं, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मैं जो भी हूँ मैं अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ, इन्होंने मुझे बहुत हमेशा सपोर्ट किया है। हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि इनको घर से जब ये इनकी सिलेक्शन हुई थी, घर वालों ने मना कर दिया कि पैसे नहीं है, लेकिन मैं लकी रहा हूँ कि मुझे हमेशा मेरे पापा ने सपोर्ट किया है और मैं आज जो भी उनकी वजह से हूँ। तो पापा जी बिग थैंक यू। तो मुझे भाषण देना नहीं आता, अब पता नहीं कैसे एंड करना है, लेकिन जय हिंद जय भारत। आपका फैसला के लिए हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।